यहाँ कॉलेज का मेन एंट्रेंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं पीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज, जो कि डुमराव में है, बक्सर में। तो इसका आज आपको हम एक टूर देने वाले हैं, एक अच्छा सा टूर, कि मतलब कॉलेज के कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ आपको हम दिखाएंगे। और कॉलेज के अंदर घुसते ही आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर चना लगा हुआ है, और उधर और भी चीज़ लगा हुआ है, सरसों ऐसा भी लगा हुआ है, पॉली हाउस, नेट हाउस, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ। तो हमारा ये रिक्शा ही अभी आगे तक जाएगा, और भैया साथ रहे, भैया लेके जा रहे हैं, वीडियो बना रहे भैया। तो अभी हॉस्टल की ओर हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं। और कैंपस देखे बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि गेट के पास से हॉस्टल, जो बॉयज़ हॉस्टल है, अप्रॉक्स हाफ किलोमीटर तो ज़रूर होगा ही। पर यहाँ से टर्न लेता है हॉस्टल के लिए। भैया की जैसा की बताए हैं कि बड़ा सा बॉयज़ हॉस्टल लिखा हुआ होगा, तो दिख ही जाएगा। ऐसे कैंपस देख लो, बहुत बड़ा कैंपस है। अभी तो एक टूर देंगे आप लोगों को हम, कि कैसा क्या है सब कुछ के बारे में। यहाँ पे जलपान गिरी है, देख लो, ये जलपान गिरी रहा। आगे क्रीड़ा भवन है, क्रीड़ा भवन है जहाँ पे गेम्स ये सब होते होंगे। ये रहा सामने क्रीड़ा भवन। हम लोग मेज के अंदर आ चुके हैं, थोड़ा सा मतलब कि क्लिप बहुत कम है, इसका रीज़न है क्योंकि अननोन प्लेस है और गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कम ले पा रहे हैं। और हम लोग खाना खाने के लिए आए, क्योंकि भूख भी लग गया था। और अगर कोई विजिट करने के लिए आता है अपने बच्चों को लेकर, तो आपको खाना फ्री में मिलेगा, और रहने का गेस्ट हाउस का भी सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो देख लो पीछे, ये रहा यहाँ का मेज एरिया, यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा, टेबल और चेयर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आ चुका है चावल, करी और आलू गोभी का सब्ज़ी है, अचार है और पापड़ है, तो साथ में रोटी भी देकर नहीं मिला। हम लोग का लंच हो गया, सही था लंच, ठीक है ना। मतलब हॉस्टल मेरे घर टाइप का था, मतलब प्लेन अच्छा था, तेल मसाला नहीं, टेस्ट सही था, है ना। ये हॉस्टल दो तीन विंग में बटा हुआ है हर फ्लोर। इसे देखो, इधर एक विंग है, एक इस साइड पर विंग है, और एक विंग पे एक बड़ा सा वॉशरूम है। तो वॉशरूम जा कर हम दिखा देंगे। तो भाई, सबसे पहले हम वॉशरूम दिखाने जा रहे हैं, कि वॉशरूम कितना बड़ा है यहाँ का। ये रहा वॉशरूम, सामने आपको मिरर लगा हुआ दिख जाएगा। जो टॉयलेट करने के लिए इधर सारा, ये सारा टॉयलेट, कमबोर्ड वाला, इधर कमबोर्ड वाला टॉयलेट, इस साइड पे मे बी इंडियन होगा, नहीं इस साइड नहाने वाला है, चार नहाने वाला, चार कमबोर्ड वाला टॉयलेट, लैट्रिन, और इधर इतना ब्रश ये सब करने के लिए, सामने मिरर। जो हॉस्टल है दो फ्लोर का, एक ग्राउंड फ्लोर एक अपर फ्लोर, इधर देख लो। लेकिन बालकनी हर रूम के अंदर है, एक बालकनी मिलेगा, छोटा सा बालकनी, जहाँ पे आप धूप खा सकते हो, कपड़ा सुखा सकते हो। ऐसे लॉन्ड्री का भी यहाँ फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। और लोकेशन देखो, ऐसे
अच्छा सेलिब्रेशन है, प्यारा सा है, अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे हॉस्टल के अंदर टेबल टेनिस के लिए भी लगा हुआ है कि आप अगर इंटरेस्ट है आपको टेबल टेनिस खेलने का तो आप यहाँ पे खेल सकते हो। एक बड़ा सा हॉल है, इसी के अंदर ये लगा हुआ है सेटअप, जो भी कहते हैं इसको, टेबल टेनिस का सेटअप है ये। यहाँ पर हॉस्टल के अंदर इन्वर्टर का भी सुविधा मिल जाएगा, दो बैटरा रखा हुआ है, एक बड़ा सा इन्वर्टर रखा हुआ है, सारा सेटिंग करके रखा गया है कि लाइट कटे तो इमरजेंसी केस में यूज़ हो जाए। और ये रहा यहाँ का बॉयज़ हॉस्टल, इसके जस्ट अपोजिट साइड गर्ल्स हॉस्टल है और आगे कृषि भवन, क्रीड़ा भवन, और ये बीच में एक बड़ा सा फील्ड है जहाँ पे फुटबॉल कोर्ट है, ये जहाँ पे आप फुटबॉल खेल सकते हो। और ये गर्ल्स हॉस्टल है, इसके जस्ट अपोजिट बॉयज़ हॉस्टल। और यहाँ पे गेस्ट हाउस है, लिखा हुआ अतिथि भवन, अतिथि भवन मतलब यहाँ पर हर चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। और जो भी इसके पीछे बिहार में है तो हमारा मातृभाषा हिंदी है इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है, तो अतिथि भवन लिखा हुआ है, गेस्ट हाउस। और ऐसे सुंदर लग रहा है, कैंपस प्यारा है ना मोनू भाई, कैंपस थोड़ा सा ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, फ्लावर्स ट्रीज ये सब लगे हुए हैं और कैंपस भी अच्छा खासा बड़ा है। और यहाँ पे सामने आपको एक स्टैचू दिख रहा है जो कि वीर कुंवर सिंह का है, जो कि गोल्डन कलर में बनाया गया है, हॉर्स के ऊपर वो बैठे हैं और उनका तलवार। और ये कॉलेज के अंदर ही हॉस्पिटल भी है कि अगर कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस ये कॉलेज के अंदर ही है, यहीं पे कैंपस में ही आपको गेट के पास में हॉस्पिटल मिल जाएगा। और ये इसका मेन बिल्डिंग है, मैं आगे से भी जाके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हाफ रहे क्योंकि कैंपस अच्छा खासा बड़ा है गाइज। और लेकिन कॉलेज बहुत प्यारा है, इसका सामने ही एग्रीकल्चर फील्ड भी है रहा और इसका अपना बसेस भी है, सब भी लगे हुए हैं। ये वीर कुंवर सिंह का स्टैचू जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, फ्रंट से देख लो आप लोग, ये स्टैचू रहा। और ग्रीनरी के मामले में अच्छा खासा है, ग्रीनरी है इधर पे, एग्रीकल्चर फील्ड है। हाँ, ये पॉली हाउस है, नेट हाउस है, ग्रीन हाउस है, जो भी है सारा यहाँ पे इस सामने में आपके रहा। और यहाँ से बाहर भी लेके जाया जाता है विज़िट करवाने के लिए। और इसका मेन बिल्डिंग जहाँ से एंट्रेंस होता है, सामने लिखा हुआ है वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव, ये जगह रहा इसका मेन बिल्डिंग, देख लो आप लोग। तो गाइज आप लोगों ने कॉलेज देखा, मेरे को अच्छा लगा, कॉलेज का कैंपस ही बहुत प्यारा था और बिल्डिंग ये सब भी, यहाँ का ग्रीनरी सारा कुछ बहुत प्यारा था, इधर बहुत सारी चीज़ लगाए गए हैं और ये इसका मेन बिल्डिंग। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में लेना हो आपको तो मैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप जाके वहाँ पे सारा कुछ पता कर सकते हो कि क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कैसे एडमिशन होगा, हर चीज़ यहाँ के बारे में क्या क्या है, जो भी आपको चाहिए होगा। तो गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और किसी को हेल्प इससे मिल जाए कि हमारे बिहार में भी इतना अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज है तो ये चीज़ सही होगा, स्टूडेंट यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।